हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो अभी बहुत बड़ी अपडेट आ रही है LUNC को लेकर। तो यहाँ पे कुछ नेगेटिव अपडेट है और कुछ पॉजिटिव अपडेट है, लेकिन जो पॉजिटिव अपडेट है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। अगर आपने भी लूना क्लासिक या फिर USDC को होल्ड किया हुआ है तो आपको यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉफिट आने वाले दिनों के अंदर मिलने वाला है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, लेकिन वीडियो को अभी से लाइक कर दो। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वॉल्टेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे मैं हर एक अपडेट सबसे पहले डालता हूँ, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। अगर आपको किसी भी कॉइन या प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करनी है, कोई भी सवाल है, या तो नीचे कमेंट कर दो या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आ जाओ, वॉरफेयर डिस्कस के नाम से, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, जहां पे आप कोई भी सवाल पूछेंगे मैं आपको पर्सनली जवाब दूंगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लूना क्लासिक की, तो आप कुछ दिनों से देख पा रहे होंगे कि एक बार इसकी हाइप तो बहुत ज़्यादा बनी थी, बहुत अच्छा प्रॉफिट भी दिया, लेकिन अभी ये लगातार डिक्लाइन होता जा रहा है। इवन USDC भी हम देख पा रहे हैं, USDC की वैल्यू भी लगातार गिरती जा रही है। हालांकि इस महीने के अंदर इसने अभी भी, आज भी अगर हम प्राइस देखते हैं तो आप मान लीजिए कम से कम 150% अभी भी प्रॉफिट में है, अगर आपने पहले USDC को बाय किया था। अब इसके बाद जो सबसे बड़ा अपडेट था, जिसके बेसिस पर हमें एक्सपेक्ट कर सकते थे कि इसकी वैल्यू और भी ज़्यादा ऊपर जाएगी, वो था कि 800 मिलियन USDC का बर्न होना, लेकिन ये बर्न नहीं हो रहा, जो कि हमारे लिए बहुत बुरी अपडेट है। जहाँ तो उसे एक प्रपोजल बनाया गया था, बर्न प्रपोजल बनाया गया था कि अगर वैलिडेटर्स इसको अप्रूव करते या फिर वो इसको येस में लेकर जाते तो फॉर श्योर 800 मिलियन USDC को बर्न किया जाना था, जिससे USDC की वैल्यू बहुत ज़्यादा ऊपर जाती। एंड इट वॉज वेरी ऑब्वियस कि ये 10 सेंट से लेकर इवन 1 डॉलर तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकती थी अगर ये सच में बर्न किया जाता। लेकिन ये बर्न प्रपोजल रिजेक्ट होने की वजह से क्या है कि अब यहाँ पे सडनली बर्न तो नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि ये एक प्रपोजल था इसके बाद कोई प्रपोजल नहीं आएगा। प्रपोजल्स ऐसे आते रहते हैं, जब भी नए प्रपोजल आएंगे तो यहाँ पे बर्न किए जाएंगे। एक तो एक्सपेक्टेशंस हमारी वैलिडेटर से है, दूसरी ये कि जो बाइनेंस हो गए एक्सचेंज या फिर ऐसे और भी कई सारे एक्सचेंजेस हैं जो कि रेगुलरली LUNC और USDC को बर्न करते रहते हैं, ताकि इसकी सप्लाई जितनी ज़्यादा बर्न होगी, सप्लाई कम होने के साथ साथ इसकी वैल्यू भी बेटर हो जाए। यही कारण है कि आज भी आपको USDC की वैल्यू इतनी बुरी तो नहीं दिख रही होगी, क्योंकि आज भी इसकी वैल्यू अच्छी ही चल रही है, यानी कि नेगेटिव में नहीं गई या फिर इसमें ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा जीरो से ऐड हो गई। अब इसी के साथ जो पॉजिटिव अपडेट है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और वो ये है कि जो LUNC है इसमें बहुत बड़ी कलेबरेशन होने वाली है पैनकेक के साथ। पैनकेक स्वैप के साथ इसकी जो इंटीग्रेशन होगी, इससे क्या है कि LUNC को वाइट लिस्ट कर दिया जाएगा, जिससे सबसे बड़ा फायदा क्या होने वाला है कि अगर आप पैनकेक स्वैप के ऊपर अगर सर्च करते हो LUNC तो वहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगा, क्योंकि ये वाइट लिस्टेड होगा, ना कि आपको एड्रेस डालना पड़ेगा या फिर टोकन को इंपोर्ट करना पड़ेगा। जनरली जो नए कॉइन्स होते हैं या फिर जैसे मीम कॉइन्स होते हैं या फिर जो बिल्कुल ख़त्म हो चुके होते हैं कॉइन्स, उनका एड्रेस नहीं होता यहाँ पे, उनकी वाइट लिस्टिंग नहीं होती। अभी अगर आप लूना सर्च करोगे तो आपको पैनकेक स्वैप के ऊपर मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे अभी जो नई स्टेटमेंट आई है पैनकेक स्वैप के द्वारा, उन्होंने कहा है कि वो नई सेटलमेंट करने वाले, जिससे क्या है कि आप LUNC बिना इंपोर्ट किए वहाँ पे डायरेक्टली स्वैप या ट्रेड कर पाओगे। एक तो यही ही सबसे बड़ा अपडेट है, और उससे भी बड़ा अपडेट, जो बहुत ही बड़ा अपडेट मुझे आज के दिन लगा है, जो शायद कभी भी एक्सपेक्टेड नहीं था, कि $100,000 यानी कि लगभग $100,000 की सीड इंजेक्शन करने वाले लिक्विड पूल में, जिसमें ये पूल ओपन करने वाले LUNC एंड BNB चेन का। अब इतना बड़ा अमाउंट अगर इसमें आता है, इतना बड़ा सीड इंजेक्शन होता है, तो डेफिनेटली LUNC कहाँ से कहाँ जा सकता है। आज अगर इसमें इतनी ज़्यादा जीरोस हैं, जैसे कि 3 जीरोस हैं, तो मुझे पूरी पूरी शॉर्टी लग रही है, ये 3 के 3 भी ख़त्म हो सकती हैं। वैसे ऑलरेडी लूना क्लासिक ने हमें इस महीने के अंदर 100% से भी ऊपर प्रॉफिट दिया ही है, एंड ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल कॉइन ख़त्म हो चुका है। पिछले 24 घंटे के अंदर अगर हम इसके वॉल्यूम का देखते हैं, 24 आवर का वॉल्यूम देखते हैं, तो ये 20% ऊपर ही चल रहा है, यानी कि इसके इसमें जो ट्रेडिंग है वो हमेशा चलती रहती है, ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बढ़ता ही रहता है। तो यहाँ पे 2 फायदे होने वाले, एक मैंने आपको बोला कि पैनकेक स्वैप के ऊपर आपको इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, दूसरा ये भी है कि आप अगर डायरेक्टली सर्च करोगे तो LUNC आपको वैसे भी मिल जाएगा। तो ये अपने आप में एक बड़ी अपडेट है। अब मैं आपको यहाँ पे एक रियलिटी बताना चाहता हूँ जो इससे थोड़ा हटके है, जो मेरा मानना है। तो LUNC इस वक्त वैसे देखा जाए तो इसकी कोई भी वेबसाइट नहीं है। Terra.money के ऊपर जाओगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ टेरा का जो नया लून है वो दिखेगा। इनके अपने प्रोजेक्ट्स में देखें, माय प्रोजेक्ट्स में जाते हैं तो इनके एक सिस्टम है ना, तो आपको LUNC दिखने वाला है, ना ही आपको USDC मिलने वाला, यानी कि इन्होंने इसको कम्प्लीटली डिसओन कर दिया। इनके हिसाब से LUNC या USDC एग्जिस्ट ही नहीं करता, या फिर ये इसका कभी ध्यान देने ही नहीं वाले। तो इस चीज़ के ऊपर कोई ध्यान दे रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक तो ये कि कम्युनिटी है, कम्युनिटी यानी कि जो हमने होल्ड किया हुआ है, जो हम होल्डर्स हैं, हम बोल सकते हैं कि LUNC आर्मी बोल सकते हैं, USDC आर्मी बोल सकते हैं, या फिर कम्युनिटी बोल सकते हैं, जो हमने होल्ड किया हुआ है, ये होल्डर्स हो गए। दूसरे कौन है? दूसरे हैं एक तो जो वैलिडेटर्स हैं, वो भी रेगुलर बेसिस पर कुछ ना कुछ प्रपोजल्स लाते रहते हैं, जैसे कि बर्न का प्रपोजल हो गया,
या ऐसा कुछ ना कुछ आता रहता है। तो तीसरे कौन है एक्सचेंजेस, जैसे कि बाइनेंस एक्सचेंज हो गया और भी ऐसे एक्सचेंजेस हैं जिन्होंने हमेशा कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लिया कि वो इसकी सप्लाई को बर्न करके डिमांड को बढ़ाने वाले और इससे वैल्यू भी बढ़ती है। अब यहाँ पे वैलिडेटर्स का आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि इन्होंने एक और प्रपोज किया था कि 1.5% ये बर्न करना चाहते हैं। 1.5% बर्न मतलब हर एक ट्रांजेक्शन के साथ 1.5% बर्न होना चाहिए, लेकिन ये भी अभी ऐसा नहीं है कि अप्रूव हो चुका है, ये आने वाले समय में पता चलेगा, जो कि बर्न टैक्स के नाम से माना जाता है। जैसे कि शिबा के ऊपर है और भी काफ़ी सारे कॉइंस के ऊपर है, इवन कुछ एक्सचेंजेस के ऊपर भी है, LUNC का ही है कि अगर ट्रांजेक्ट किया जाए तो उसके ऊपर साथ के साथ बर्निंग भी हो जाए। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है किसी भी कॉइन को बर्न करने में, जो कि बर्न टैक्स के नाम से होता है, यानी कि जब भी आप ट्रांजैक्ट करो साथ के साथ बर्न हो जाए। इसी के साथ एक बड़ी अपडेट जो आई है वो है लूना क्लासिक लैब्स वैलिडेटर्स के द्वारा, तो उन्होंने कहा है कि फीस को 0% कर दिया जाएगा, जो कि 1% डेली कम होने वाली है। अभी ये 9% है, तो हर एक अगले दिन 1% कम होगी, दिसंबर 25 तक ये 0% हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया कि यहाँ पे तीन एंटिटीज हैं, एक कम्युनिटी होगी, एक वैलिडेटर्स हो गए, तीसरे कौन है वो एक्सचेंजेस हो गए। तो इन्होंने तो पूरा साथ दिया है, लेकिन अगर हम टेरा की बात करें तो इनकी तरफ से कोई भी साथ नहीं है। तो यहाँ पे ना तो कोई वेबसाइट है लूना क्लासिक की या फिर USDC की, ना ही इन्होंने अपने इकोसिस्टम में अपनी वेबसाइट के ऊपर डाला हुआ है, और यहाँ पे कोई भी लिंक नहीं है। अगर हम एक ही जगह पे जा सकते हैं, अगर हम इनके नेटवर्क्स के ऊपर जाकर अगर जाते हैं टेरा फाइंडर कहने का मतलब, अगर आप किसी ब्लॉक एक्सप्लोरर के ऊपर जाते हो, जैसे कि ईथर स्कैन होता है या फिर BNB स्कैन होता है, सिमिलरली इनका टेरा फाइंडर होता है जो कि इनका ब्लॉक एक्सप्लोरर है, जिसको बोलते हैं टेराफॉर्म लैब्स मेंटेन्ड ब्लॉक एक्सप्लोरर। ये खोलेंगे तो यहाँ पे आपको एड्रेस डालने का एक यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, कोई भी आप ब्लॉक ट्रांजेक्शन अकाउंट यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हैं और उसको आप ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, मेननेट, क्लासिक, टेस्टनेट और लोकल टेरा। इन चारों में से आप एक देख सकते हैं कि क्लासिक भी है। क्लासिक है तो इसका मतलब ये कि हम क्लासिक के जो एड्रेसेस हैं, चाहे वो पुराने एड्रेसेस हैं, चाहे ये उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते, बिल्कुल चुप बैठे हैं, लेकिन उनको एटलीस्ट यहाँ पे हम ट्रैक कर सकते हैं, हमारी जो ट्रांजेक्शन उनको ट्रैक कर सकते हैं। तो सिर्फ इतना सा सपोर्ट है, और ये भी जो वैलिडेटर्स हैं उनके हाथ में चल रहा है, लगभग सब कुछ ही वैलिडेटर्स के हाथ में चल रहा है और जो कम्युनिटी है उनके हाथ में चल रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि ये एक मीम कॉइन की तरह ही बनकर रह चुका है, जिसकी कोई वेबसाइट तक नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी जो अपडेट्स हैं, मैंने आपको तीन जगह से बताया, कम्युनिटी की वजह से, वैलिडेटर और एक्सचेंजेस की वजह से जो अच्छी अच्छी अपडेट्स आ रही हैं, तो ये डेफिनेटली लूना क्लासिक को $1 ले जा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और खासकर वो भी अगर मार्केट ऐसे थोड़ी बुलिश रहेगी, क्योंकि अभी तो हम बिल्कुल बुलिश मार्केट के स्टार्टिंग में है, बिल्कुल बिगनिंग में है। आने वाले समय में आप देखोगे कि ये जीरोस बहुत जल्दी कट हो जाएंगी, एंड मैं USDC में भी बहुत ही इजीली एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि ये $1 बहुत इजीली पहुंच सकता है। तो यही था आज के हमारे इस वीडियो में, जिसमें कुछ नेगेटिव अपडेट्स थी, कुछ पॉजिटिव अपडेट्स थी, लेकिन जो पॉजिटिव है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अगर आपको किसी और कॉइन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिए, जैसे कि मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में FTX के बारे में कि FTX एक्सचेंज अभी बैंकरप्टसी एंड करने वाला है, और हो सकता है कि वो FTX 2.0 के नाम से अपने नया एक्सचेंज भी लेकर आएँ। नया एक्सचेंज आने के साथ साथ क्या है कि अभी FTT कॉइन में भी वैल्यू बहुत तेज़ी से बढ़ सकती है, जिसकी करंटली वैल्यू $3 के आसपास चल रही है, तो वो वीडियो जाकर चेक भी ज़रूर करें, क्योंकि अभी बुल मार्केट है तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स खत्म हुए थे लूना जैसे, FTX जैसे, वो धीरे धीरे रिवाइव हो रहे हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, और इसी के साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।